हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज है मेरी काम वाली रक्षाबंधन के दिन से अभी तक ऑफ पे नहीं आ रही है, तो मैं अपना काम खुद से कर रही हूँ। झाड़ू पोछा आराम से लगा ले रही हूँ। मुझे लग रहा है इजीली मैं ज़्यादा कर ले रही हूँ काम, क्योंकि वो एक तो लेट टाइम आती है 11:30 बजे, उसके बाद फिर वही लेट हो जाता है, सब कुछ रूटीन ख़राब हो जाता है मेरा। तो अभी मैंने सारा झाड़ू पोछा कंप्लीट कर लिया। आज मैंने थोड़ा लेट ही किया, मुझे लगा कि वो आ जाएंगी लेकिन आज भी नहीं आई, तो इट्स ओके, मैंने कर लिया सब। मैं आपको दिखाती हूँ मामी का विवान क्या कर रहा है। हाय डार्ली, नो छी छी छी, ये देखो इनकी काम देख रहे हो गाइस। मैंने पूरा झाड़ू वाड़ू लगा के क्लियर करके सब कुछ साफ कर दिया, देखो आप देख सकते हो। अपना काम, अपने घर का काम मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैंने शुरू से ही किया है अपना काम खुद से, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा अच्छा काम हमारे घर का कोई और नहीं कर सकता है, तो मैं ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो रही हूँ अपना काम खुद से करने में। तो काम निपटाने के बाद मैं चली गई थी मार्केट विवान वामिका के ड्रेस लेने, जन्माष्टमी का कॉस्ट्यूम लेने। गाइस मार्केट से शॉपिंग करके मैं आ गई हूँ वापस, तो अभी घर जाके आपको दिखाऊंगी मैं क्या लेके आई हूँ। दिखाऊंगी क्या, मैंने फ़ोटोशूट ही करना है बच्चों का पहले से, क्योंकि वो एग्जैक्ट उसी दिन करने नहीं देते। और यहाँ पर है मेरी सब्जी। तो गाइस कृष्णा की कॉस्ट्यूम लाई हूँ मैं, आप देख सकते हो वामिका कितनी खुश हुई है धोती पहन के। तो दोस्तों मैंने मामिका को सुला दिया था और नींद में ही मैं इसको ना कुमकुम से सजा रही हूँ, नींद में ही रेडी कर रही हूँ क्योंकि ये होने नहीं देगी इसीलिए। तो गाइस वामिका का कंप्लीट करके मैं स्टार्ट कर रही हूँ विवान का, विवान को बैठा करके कोशिश कर रही हूँ। इस एज के बच्चे को रेडी कर पाना बहुत मुश्किल होता है गाइस, मैं बहुत प्रॉब्लम से करती हूँ। मुझे पता है मैं कैसे फ़ोटोशूट करती हूँ इनका, कोई भी हो, मंथली फ़ोटोशूट हो या फिर जो भी हो, मुझे पता है। तो बस थोड़ा सा ये है कि मैं इसको थोड़ा सा गेटअप दे दूँ, बाकी बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, वो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो बस मैं यही बात सोचती हूँ कि जब बच्चों को कान्हा जी का गेटअप करा के बच्चे इतने प्यारे लगने लगते हैं, तो खुद से कान्हा जी कितने प्यारे नहीं होंगे, बहुत प्यारे होंगे वो। उनकी छवि बनाने में जब इतने सुंदर बच्चे हो जाते हैं, तो सोचो सच के कान्हा जी कितने ही सुंदर होंगे, है ना। बस गाइस जो व्लॉग देखते हो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे को जज मत करना कि मतलब मैंने कैसे ड्रेसअप किया या ये वो, मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है। मेरे को जितना भी टाइम मिलता है मैं बच्चों के साथ उसको सब पिन कर लेती हूँ, उनके साथ वीडियो और ये सब चीज़ें उनकी केयर करने में निकाल देती हूँ, तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये मेरे लिए, आप जज करो या मत करो। लेकिन अगर नहीं करो जज, अच्छे से मतलब मुझे समझो, तो मुझे अच्छा लगेगा, बस इतना ही। और बाकी देखो विवान को धीरे धीरे रेडी कर दिया है मैंने, प्यारा सा बच्चा मेरा। वामिका का मुंह धुला दिया, पहले वामिका सोई थी ना मैंने उसी का कर दिया था अच्छे से, लेकिन मेरी कितनी गंदी किस्मत है, पलटती रही उलटती रही तो सब इसका खराब हो गया। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, लेकिन ये बच्चे अब बड़े हो गए तो करने नहीं देते कुछ भी। ये देखो मेरा लिटिल कन्हैया यहाँ से देख रहा है मेरे लिए सबसे मुश्किल टास्क कुछ होता है तो वो होता है वामिका को रेडी करना। ओ गॉड इतना परेशान करती है गाइस, इतना रोती है। वैसे नॉर्मली नॉर्मल कपड़ों में ये एकदम चिल रहती है, बहुत हंसती रहती है लेकिन जिस दिन वामिका को पता लगता है कि मेरे साथ कुछ होने वाला है फ़ोटोशूट या ऐसा समथिंग कुछ, तो पता नहीं वो रोती ही रहती है पूरे टाइम। ऐसे ही हाल इसने अभी भी किया था, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है वामिका को रेडी करने में।
बता दे रही है मैं क्या करूँ इस पर बैठ ले। और एक ही लड़का, कान्हा जी प्लीज हट जाओ, आपके हाथ जोड़ती हूँ मैं। वामिका नो टच, नहीं डोंट टच वामिका, डोंट टच, मेरे को गुस्सा आ जाएगा। प्लीज आई एम सॉरी बेबी डॉल, मम्मा इतनी मेहनत कर रही है तो सक्सेस होने दो, मैं हाथ जोड़ रही कान्हा जी प्लीज। गाइस मेरे पास ना धोती के ऊपर कुर्ता भी है पहनाने को, लेकिन मैं नहीं पहना रही हूँ, मुझे खाली धोती मिली नहीं मार्केट से, इसलिए मेरे को लाना पड़ा था। बट मैं इनको ऐसे ही रेडी करूँगी, और कल हमारी सोसाइटी में फंक्शन होगा तो मैं इनको वहाँ पहना दूँगी कुर्ता। लेकिन फिलहाल मैं जो फोटोशूट करने की कोशिश करी, मुझे लग नहीं रहा सक्सेस होगा। ये देखो क्या कहना चाहते हो, राधा कहना चाहता है, राधा कह रहा है राधा। ये एक फोल्ड कर दी माला हमने, दिस इज द सेकंड फोल्ड एंड इट्स डन, है ना। ये इसको बहुत प्रॉब्लम है गाइस हर चीज से, छोड़ दो राधे 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 राधे, छोड़ दे ये लो ये लो, नो इट्स ओके। जय जय राधे, जय जय राधे, जय जय राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे 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 श्याम मिला दे, राधे राधे राधे। तुमको भी दिखाते तो गाइस आप देख सकते हो हमारे पास, मेरे पास, मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पास दो दो कान्हा जी हैं, है ना। एक ये कान्हा जी सांवले, एक गोरे कान्हा जी, क्या हो गया कान्हा जी की, ये कान्हा जी की ना। तो ठीक है गाइस, कोशिश करते हैं इनको मुकुट लगाने की, मैं लाई हूँ मुकुट अभी। ये वामिका के माथे का कुमकुम ना सूखा नहीं है, तो मैं इसको, क्या है हमारे पास, हमारे पास क्या है गाइस, ये है, तो हम इसे वामिका को लगाते हैं हवा। हाय दोरानी, तुम्हारे तो छूक गया बिट्टू, आपका तो बिट्टू छूक चुका है, बिट्टू आपका छूक चुका है। टिन 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 तो गाइस आप जो रील देखते हो उसके पीछे देखो BTS, आप ये कितना रोते हैं, कितना परेशान करते हैं, बहुत मैनेज करना इनको मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है, पूरा दिन लगता है ना, 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 राधे राधे। तो गाइस बस इनका फोटो शूट हो रहा है, लेकिन ये मेरा बैड लक है आज की, ये करने नहीं दे रहे, बहुत चिड़चिड़ हो गए। वामिका ने देखो अपना मुंह कैसा कर दिया है पोछ पोछ के, तो कोई बात नहीं, इनको ज्यादा इरिटेट कर नहीं सकते हम, है ना।
हाय गाइस, तो ये देख सकते हो आप, बच्चों के फोटोशूट के बाद घर की हालत कुछ ऐसी है। दही था वो बच्चों ने वहाँ गिरा दिया था। और यह है विवान, मैंने इनकी चुटिया मतलब सब कुछ खोल दिया, ये इरिटेट हो रहे थे। एंड वो है वामिका। हाय डार्लिंग, हाय विवानशी, इधर देखो, से हाय। मम्मा बोल रहा है लड़का, पापा। तो घर की हालत कुछ ऐसी हो रही है। तो दोस्तों, बच्चों का फोटोशूट करना कोई बच्चों का काम नहीं है, बहुत इजी नहीं है, बहुत हैक्टिक थे। आज मैंने लंच भी नहीं करा है, देखो कितना हैप्पी। क्या अभी कपड़े पहने थे तब तो बड़ा रो रहा था, अब घूम रहा है गुंडा। तो बस मतलब बहुत मुश्किल से मैं कर पाती हूँ, मैंने किया है वो, है ना, है ना। क्या किया मम्मा ने विवान की? पापा, मम्मा तो बोल दो। तो गाइस, बस आज का वीडियो यहीं तक था। बाकी मैंने जो रील्स बनाई हैं वो आपको दिखेंगे इंस्टाग्राम पे। और यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर पाई थी, बस एक दुपट्टा लपेट लिया था अपने आप पे यशोदा बनने के लिए। तो ये रील्स आपको सारे इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है सिया वैभव डाला कोटी करके। ये है मेरा विवान और ये है मेरी वामिका। तो बाय बाय, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल।